तो लेडीज एंड जेंटमैन सिक्स वर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द सोशल एंटरप्र्योरशिप एंड द बेरफोट कॉलेज फिलासफी बड़े ही इंपॉर्टेंट फिलासफी की तरफ हम जा रहे हैं इसको इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि इस कॉलेज ने क्या डिवेलपमेंट की थी इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं ताकि ये जो है बेरफुट जो है वो बेयरफुट फिलासफी हमारी अकल और समझ में आ जाए ये समझिए कि इंटीग्रेशन का मतलब इंजमाम होता है आपस में चीज़ों का एक दूसरे से मिला जुला होना होता कंसॉलिडेशन नहीं होती कोलाबोरेशन नहीं होती कोऑर्डिनेशन नहीं होती इंजमाम इंजम इज़ अ इंटीग्रेटेड टर्म यानी केमिकल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कि के एक केमिकल दूसरे के अंदर जम होया होता है और मुदगम सा होया होता है मैं कोई और टेक्निकल फिलॉसफी की तरफ नहीं जा रहा लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इसको आसानी से समझ लीजिए कि को इज्जत दी जाती है अब एक स्किल्ड आदमी है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं मेरी पी एच डी किसी काम की नहीं है जब तक मेरा स्किल वर्कर जो है मेरी उस पी एच डी के मुतालिक वो काम ना कर दे मैं एक साइंटिस्ट हूं मुझे पता है कि जैतून को पकड़ के अगर मैं सिरके में डाल देता हूँ तो ये जो है वो मैं बड़े स्टॉक्स में जमा करके इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ तो मेरे लिए काम कौन करेगा वही लोग जो जिनको मैं हारी मज़ारे कहता हूँ तो मुझे उसको कम्युनिटी में लाना पड़ेगा इसी तरीके से मैं उन लोगों को लेकर अपने साथ आता हूँ और एक इनफॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन को मिलाता हूँ और याद रखिए विजडम किसी की मरास नहीं है सिर्फ पढ़ाई और किताबें पढ़ने से आपको विजडम नहीं आ जाती विजडम धक्के खाने से आती है विजडम सोसाइटी को समझने से आती है विजडम लोगों को पढ़ने से आती है विजडम इंसानों के इंसानों के तल्लुत से आती है और ये बहुत सारी चीज़ें मिलाकर फिर कॉस्मिक लेवल के ऊपर पूरी कायनत भी समझ में आना शुरू हो जाती है और फिर पहला मकसद आता है कि मैं क्यों बनाया गया और जब मैं क्यों बनाया गया तो पता चलता है कि हमारे मकासद के हैं हम किस लिए करने आएँ और कुरने मजीद से लेकर सारी सेक्रेट स्क्रिप्ट से लेकर फलसफे की तमाम किताबों से लेकर सॉक्रटिस प्लैटो और अफलातून तक अगर हम देखें और उसके बाद एग्जे माइनस और, और मैक्सी-माइनस तक देखें चार हज़ार साल पुरानी तारीख देख लें या पाँच हज़ार साल पुरानी तारीख देख लें संस्कृत उठा के देख लें हर जगह एक ही बात हुई है कि सब्जेक्ट है एक, एक इंसान की दूसरी इंसान के लिए फला सो विच इज़ द बेस रूट और द रूट ऑफ एवरीथिंग थिंग इज का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आगे चलते हैं जी over a period of the time, barefoot college released that the communities are the capable of addressing their own social problem provided the proper capacity building is undertaken. the major aim of barefoot has transformed to assist, guide the poor to depend on themselves rather than on the professional for their elsewhere. Ab kaha jata hai, aapne professionals, la kar hi अपने लोगों को टेक्निक सिखानी है इससे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं हमने एक नया तरीका सीखा है टेक्नोक्रेट्स का लोग मेरी बात भी सुनते हुए जब भी मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसके अंदर मैरिटोक्रेसी uh, के ऊपर लिखा मेरिट्स जरूरी है लेकिन उसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि टेक्नोक्रेट्स में बाहर से ला ला के लॉन्च करता जाऊंगा अपनी कम्युनिटी में मेरा मकसद यह है कि मैं टेक्नोक्रेट्स को अपने ही कम्युनिटी के अंदर ट्रेंड करूंगा उसी लेवल और उसी स्टैंडर्ड पे जैसे हजूर आलतम ने फते के बाद ऐलान किया उन्होंने ये नहीं कहा कि जितने कैदी हैं उनको ये कहा कि हमारे एक आदमी को तुम एक टेक्निकल इल्म देना शुरू कर दो हम तुम्हारा बंदा आज़ाद करते तो ये कुरान और हदीस का इल्म नहीं था उसमें इल्म जरा था इल्म आदात था इल्म नजूम था इल्म आ, यानी तबियात था और आपको सर्जरी के केलूम थे हर दुनियावी इल्म के अंदर जिसके अंदर वो महारत रखते थे वो सिखाएंगे अपना बंदा क्या छोड़ाएंगे तो ये वो डेवलपमेंट है ये बेरफ कॉलेज फिलॉसफी आज देती है हजूरअलाम ने ये फिलॉसफी कब की दे दी थी और आप ये देखें कि इस प्रोफेशनलिज्म में इनफॉर्मल और फॉर्मल नॉलेज को इकट्ठा करें कंबाइन करें यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप थैंक यू वेरी मच